भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भुसावल वार्ड नंबर 14 में अमृत जल योजना का काम शुरू हुआ। काफी समय से पूरे शहर में अमृत जल योजना का काम पूरे भुसावल शहर में शुरू था, सिर्फ वार्ड नंबर 14 ही बचा हुआ था, जिसकी वजह से आज 15 अप्रैल को आशिक खान शेर खान के हाथों उद्घाटन करके काम की शुरुआत की गई। वहीं मुख्य अधिकारी संदीप रितवर ने बताया कि आशिक खान ने उन्हें निवेदन देकर काम की शुरुआत करवाई है। आज शहर में लॉकडाउन होने के कारण भी ये काम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और कहा कि अमृत जल पाइपलाइन हर घर तक जाएगी, जिसका लाभ हर नागरिक को मिलेगा और सभी नागरिकों से अपील की है कि अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और कोरोना वायरस से बचें। ये कैसा, ये काम सब वार्डों से होते हैं, इधर आ रहा था, अपना नंबर आखिरी में था, इसके लिए आज ओपनिंग किया इसका वार्ड का। तो अमृत योजना का सीओ साहब को बोल के आज टाइम कैसा तो भी निकाल के मैंने आज ओपनिंग करा है पूरे वार्ड में। यहाँ पानी की समस्या थी, साहब को बुलाया और पानी का सब पाइपलाइन वगैरह पूरे वार्ड में घुमा के आज पाइपलाइन का काम चालू होने वाला है, ये चालू कर दिया ओपनिंग है। की सिचुएशन फिलहाल कैसी है, बढ़ रही है और ये जो अपना पानी का है ये अत्यावश्यक सेवा में आता है, इसलिए आज लॉकडाउन रह के भी हमने अपने यहाँ पे आशिक शेख ने खान जी ने जो सपोर्ट किया है कि भैया कैसे ही करके मेरे वार्ड में पानी की सुविधा हर घर तक हर कोने तक पहुँचाई जाए, इस बारे में उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए थे, उसका आज फल मिला है। इनके जो द्वारा हमेशा नगर पालिका में निवेदन ये हो रहा था कि भाई मेरे वार्ड में कोने तक हर एक घर तक पानी आना चाहिए, उस बारे में आज हमने ये प्रोसेस कर दी है। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन रह के भी हमने ये प्रोसेस की, क्योंकि ये अत्यावश्यक इमरजेंसी सर्विसेज में आता है। आप सभी से गुजारिश है कि कोविड का पालन ये प्रॉपरली किया जाए। आज हमने सोशल डिस्टेंसिंग ये मेंटेन करके आज का एक छोटा सा 5-6 लोगों का ही ये जो है कार्यक्रम लिया होगा। अमृत जल योजनेमुळे आता नागरिकांचा पाणी प्रश्न पूर्णपणे मिटणार आहे। हो, आता शेवटच्या घरापर्यंत लवकरच पाणी मिळेल या अनुषंगाने प्रोसेस आम्ही करत आहे। तर तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे कोविडमुळे सगळे ऑफिसेस येते बंद आहे, मंत्रालयातील निधी पण तिथे आपला अडकलेला आहे। हे सगळ्या गोष्टी हळूहळू होतीलच आणि जसे लॉकडाऊन आणि कोविडची सिच्युएशन बरोबर त्यानंतर अमृत योजनेला चांगला वेग प्राप्त होईल।